नमस्कार, न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार की हुई घोषणा। आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए दिया गया अवार्ड। जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ए हिंटन को मिला अवार्ड। फिलीपींस और साउथ कोरिया ने की रणनीतिक साझेदारी। जियोपॉलिटिक्स के शिकार हैं दोनों देश। यूएसए के साथ संधि सहयोगी भी हैं दोनों देश। और मालदीव्स के सहयोग के लिए भारत आया आगे। दोनों देशों ने की करेंसी स्वैप डील। हिंद महासागर की चुनौतियों को लेकर हुई वार्ता। आइए शुरू करें। नोबेल पुरस्कारों की कड़ी में फिजिक्स यानी भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। फिजिक्स के लिए अवार्ड का निर्णय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा लिया गया है। 2024 के फिजिक्स का नोबेल प्राइज जॉन जे हॉफफील्ड और जेफरी ए हिंटन को देने की घोषणा हुई है। जॉन जे हॉफफील्ड यूएसए में जन्मे हैं, वहीं जेफरी ए हिंटन का जन्म यूके में हुआ है, लेकिन वे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा से संबंधित हैं। दोनों वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए ये सम्मान दिया गया है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने फिजिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे मेथड्स डेवलप किए जो आज की मशीन लर्निंग की नींव हैं। जॉन जे हॉफफील्ड ने एक एसोसिएट मेमोरी विकसित की है जो कि फोटोज और अन्य पैटर्न्स को डेटा के रूप में स्टोर कर सकती है और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। वहीं जेफरी हिंटन ने एक ऐसा मेथड तैयार किया जो डेटा में कुछ विशेष गुणों को खुद से आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी के बदौलत मशीन लर्निंग में डेटा से कुछ विशेष एलिमेंट्स की पहचान की जा सकती है। इस मेथड को बोल्ट्जमैन मशीन नाम दिया गया है। आपको बता दें कि मशीन लर्निंग का सिस्टम न्यूरल बेस्ड है, मतलब ये कि हमारा ब्रेन भी न्यूरल नेटवर्क से बना है और इसमें लिविंग सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं, इसी तरह से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो इन न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, अदरवाइज ये कनेक्शन वीक बना रहता है। वहीं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नोड्स से बना होता है। इन नोड्स को कोई वैल्यू जैसे 0 या 1 दे दिया जाता है। जब नेटवर्क को कुछ सिखाया जाता है तो नोड्स के बीच का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, अदरवाइज वीक बना रहता है। न्यूज एट नाइन में हमने मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा वाली खबर कवर की थी। ये भी जाना था कि उनके भारत आगमन का मकसद क्या है। आज बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की। द्विपक्षीय मुलाकात में किन मुद्दों पर बातचीत हुई? दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक और सामुद्रिक सुरक्षा को लेकर सहमति बनी है। साथ ही दोनों देशों ने हिंद महासागर में मौजूद साझा चुनौतियों को स्वीकार किया। इस दौरान हिंद महासागर में मौजूद हर तरह की चुनौतियों पर बात की गई, जिसमें पायरेसी, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हाल ही में दोनों देशों ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के चार्टर पर भी हस्ताक्षर किए थे। इसमें दोनों देशों के बीच सुरक्षित और शांतिपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। साथ ही भारत ने मालदीव्स के साथ $40 करोड़ की करेंसी स्वैप डील की है। इसके अलावा एक 3,000 करोड़ रुपए की एक और करेंसी स्वैप डील भी की गई है। मतलब ये कि भारत और मालदीव्स की कंपनीज यूएसए डॉलर के बजाय अब अपनी लोकल करेंसीज में बिजनेस करेंगी। देखिए, मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का अहम योगदान है। भारतीय पर्यटकों की हिस्सेदारी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन जनवरी में भारतीयों और मालदीव्स के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर हुए विवाद के बाद भारत में मालदीव्स के बहिष्कार की आवाज़ें उठी थीं। यही वजह है कि अपनी इस आधिकारिक यात्रा में मोइजू ने मालदीव्स में अधिक से अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने की बात भी कही। मालदीव्स मीडिया के मुताबिक मालदीव्स जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 50,000 की कमी आ गई है, जिससे देश को लगभग $15 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गाँव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ hours की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूँ? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं,
यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। फिलीपींस और दक्षिण कोरिया दोनों ने अपनी साझेदारी को रणनीतिक सहयोग में बदल दिया है। दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर समझौता हुआ है। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल इन दिनों फिलीपींस की यात्रा पर हैं। वहीं फिलीपींस में राष्ट्रपति के पद पर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर काबिज हैं। रणनीतिक सहयोग के तहत दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की बात कही है। वहीं दक्षिण कोरिया ने फिलीपींस की मिलिट्री को आधुनिक बनाने में सहयोग करने पर जोर दिया है। इस मौके पर दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर विवाद और कोरियन प्रायद्वीप के मसले पर बातचीत हुई। देखिए, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया दोनों ही अपने पड़ोसियों से परेशान हैं। जहां एक तरफ फिलीपींस साउथ चाइना सी के मसले पर आए दिन चीन की बेमतलब पेट्रोलिंग का सामना करता है। दरअसल साउथ चाइना सी पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। ये सागर आर्थिक और भू रणनीति के लिहाज से बहुत अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर दावेदारी करता है। चीन का ये दावा वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ ओवरलैप करते हैं। चीन कभी अपने कोस्ट गार्ड या फिर कभी पेट्रोलिंग वेसल के जरिए इन देशों से उलझता रहता है, जिनमें फिलीपींस के साथ ये मामले ज्यादा दिखते हैं। वहीं कोरियन पेनिनसुला पर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की धमकियों का सामना करता है। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशियाई देश है। इसका आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये कोरियन पेनिनसुला के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। इसके पूर्व में सी ऑफ जापान है और पश्चिम में है येलो सी। इसके दक्षिणी हिस्से में कोरिया स्ट्रेट या कोरिया जलसंधि है जो इसे जापान से अलग करती है। यहाँ एक और बात ध्यान रखिए कि दक्षिण कोरिया और फिलीपींस दोनों ही यूएसए के ट्रीटी अलाई यानी संधि सहयोगी हैं। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए के नेताओं ने एक रणनीति अपनाई। इसमें उनका मानना था कि वे खतरे को यूएसए होमलैंड में पहुंचने से पहले विदेशी धरती पर ही खत्म कर देंगे। इसी रणनीति का रिजल्ट 1949 में बना नाटो है, जिसे यूएसए ने पश्चिमी यूरोप के देशों और कैनेडा के साथ मिलकर गठित किया था। इसी कड़ी में यूएसए ने 1951 में जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की थी। यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी 1951 में की गई। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ यूएसए ने 1953 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की। एशिया और यूरोप के देशों में यूएसए द्वारा बनाए गए इस अलायंस को लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर कहा जाता है। 10 से 11 अक्टूबर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी 21वीं भारत आसियान समिट और 19वीं ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। आसियान की अध्यक्षता वर्तमान में लाओस के पास है। अध्यक्षता हर साल अल्फाबेट के ऑर्डर के मुताबिक बदलती है। भारत आसियान समिट इस साल कई मायनों में अहम है, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इस साल एक दशक पूरा होने जा रहा है और आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सेंट्रल पिलर है। आसियान का मतलब है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। इसलिए इस दिन 8 अगस्त का चुनाव आसियान डे मनाने के लिए भी किया गया है। आसियान का मोटो या ध्येय वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान के संस्थापक सदस्यों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। इनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। आसियान का सचिवालय है जकार्ता में। इसकी पहली बैठक इंडोनेशिया के बाली में 1976 में आयोजित की गई थी। एक बात और ध्यान रखिए कि तिमोर लेस्ते को आसियान के 11वें सदस्य के तौर पर शामिल करने को लेकर मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी ये आधिकारिक तौर पर सदस्य बना नहीं है, न ही आसियान की वेबसाइट पर इसे सदस्य के तौर पर जगह मिली है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है टोटल ऑक्सीजन डिमांड। टर्म ऑफ द डे में हमने बीओडी और सीओडी को ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसी तरह से टीओडी यानी टोटल ऑक्सीजन डिमांड भी एक मापदंड है जो जल में मौजूद सभी प्रकार के पदार्थों को विघटन के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कुल मात्रा को मापता है। ये माप सीओडी और बीओडी के मुकाबले ज्यादा व्यापक होती है, क्योंकि इसमें जल में मौजूद हर प्रकार के प्रदूषक को ध्यान में रखा जाता है। इन तीनों मानकों का जल के स्वास्थ्य और प्रदूषण के स्तर को समझने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। वाजा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम ने
2024 वाजा संरक्षण और पर्यावरण स्थिरता पुरस्कारों के लिए भारत के रेड पांडा संरक्षण प्रजनन और संवर्धन कार्यक्रम को शॉर्टलिस्ट किया। विजेता की घोषणा 79वें वाजा वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस जूलॉजिकल पार्क को पहले हिमालयन प्राणी उद्यान के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1958 को दार्जिलिंग में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने संयुक्त रूप से की थी। यह चिड़ियाघर 2009 से वाजा और जूलॉजिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ रेड पांडा परियोजना 1990 में शुरू की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय बैठक का उद्घाटन किया। इस 77वें सत्र की अध्यक्षता के लिए जेपी नड्डा को चुना गया है। यह सत्र 7 से 9 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। यह वार्षिक बैठक WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करती है, जो दुनिया की 1/4 से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव्स और भारत आदि के स्वास्थ्य मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक का मकसद सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दों का समाधान करना है और पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बेहतर नीतियों का विकास करना है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU की विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा WTSA 15 से 24 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ और भारत सरकार के दूर संचार विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ITU के इतिहास में पहली बार होगा कि यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। 190 से अधिक देशों के लगभग 3000 एक्सपर्ट्स 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स बनाने में सहयोग करेंगे। गुजरात सरकार ने कैरकल के प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यह केंद्र गुजरात के कच्छ जिले में पाए जाने वाले दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय कैरकल के संरक्षण और प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कैरकल राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है। भारत में इसे सियागोश कहा जाता है। यह IUCN की लीस्ट कंसर्न और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 नदियों के लिए सूखा वर्ष रहा है। भारत सहित दुनिया की लगभग सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी गई। वहीं ग्लेशियर्स को पिछले 5 दशकों में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और 2023 लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें ग्लेशियर ने पहले से कहीं अधिक तेजी से बर्फ खो दी। हालांकि सभी जगह एक जैसे परिणाम नहीं थे। जैसे एशिया और ओशिनिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदी के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम पानी देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के पूर्वी तट पर नदी का प्रवाह और बाढ़ की स्थिति सामान्य से अधिक थी। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और फिलीपींस में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर सवाल। पहला सवाल है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या फिर विश्व आर्थिक मंच? और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस दोनों ही USA के दुर्विरोधी समूह में शामिल देश हैं। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क सिक्किम में स्थित है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। मेडिसिन के लिए पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को देने की घोषणा की गई है। ये अवार्ड माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में इसकी भूमिका के लिए दिया गया है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृतोपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।